श्रीजनेंद्र अचापे गुरुद्वार विषय हिंदी हेमा चैप्टर शास्त्रों नाम से बादल को जीते देखाए इन्हें पुनरावर्तन करूँ ते नाम को श्री नागार्जुन पद्य साहित्य प्रकार जन्म सन 1970 निधन सन 1998 विषय प्रवेश में आप जो तो कवि को हिमालय दर्शन के दौरान हिमालय के अपने ढंग के प्राकृतिक सौंदर्य के गिनारे दर्शन होते हैं। कवि को पर्वत शिखरों पर छाए हुए बादलों मानसरोवर में फूले हुए कमल के फूलों पर गिरती हुई बूंदों सरोवर के जल में पावस की उमस मिटाते हंसों को देखने का सौभाग्य मिलता है। इनके अलावा उन्हें रात्रि विरह के पश्चात सूर्य के साथ चकवा चकनी पक्षी का अनुभव मिलन और प्रणय कलह देखने को मिलता है। तेनो आपे इशार जोई तो कवि हिमालय पर्वत के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैंने निर्मल स्वच्छ उज्जवल लेकिन बर्फ के आच्छादित पर्वत की चोटियों पर बादलों को जीते हुए देखा है। वे कहते हैं कि मैंने बादल से छोटे छोटे मोती जैसे शीतल बर्फीले जल कणों को मानसरोवर झील में कमल के खिले हुए सुनहरे फूलों पर गिरते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते देखा है। कवि कहते हैं कि हिमालय की पहाड़ियों में कई छोटी छोटी झीले हैं। इन झीलों के समतल क्षेत्रों यानी कि खेतों में हल्के काले और नीले जल में वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल होकर आए हंसों को मैंने अपनी तपन मिटाने के लिए तैरते हुए पानी में कमलनार के टीके रेके तीते जो डांडली जो हुए टीके मिट्टी जंतुओं को खोजते हुए देखा है। मैंने शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। कवि सरोवर के तट के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वसंत का यह सुंदर सवेरा था। मंद मंद शीतल हवा चल रही थी। बाल सूर्य की कोमल कोमल किरणें चारों ओर फैल रही थी। उनका सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ा रहा था, इसलिए ये शिखर सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल ही थे। सुबह होते ही उन विरह विवश चकवा चकनी का रदन बंद हो गया। चकवा चकनी को चिरकाल से रात्रि के समय एक दूसरे से अलग रहने का साप मिला हुआ है, इसलिए इन्हें पूरी रात एक दूसरे से अलग रहकर विरह में बितानी पड़ती है। सुबह होने पर सांप का प्रभाव खत्म हुआ तो विषित पक्षी जोड़े का मिलाप भी खत्म हो गया। कवि कहते हैं कि फिर मैंने उस महान सरोवर के तट पर सेवालों की तरह सेवालों की हरी मखमली हरी पर चकवा चकनी का प्रणय कलह छिटते देखा है। मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को जीते हुए देखा है। तो विद्यार्थी मित्रों आज तो